हाथरस थाना सिकंदरा राव चौकी इक्सौली के अंतर्गत गांव ईसेपुर। नौरथा का मामला योगेश के घर न आने पर ईसेपुर के गांव में गुस्सा का हुंकार भरा हुआ है। योगेश को बहला फुसलाकर ले गए गांव के तीन लोग लोकेश व नरेश और जय सिंह। गांव के इन तीनों लोगों ने पाँच दिन तक पता नहीं लगने दिया। योगेश का अभी भी कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। योगेश की पत्नी रीना को पता चलते ही अपने पति योगेश की घटना पर इक्सौली चौकी पर तहरीर दी। साथ में गांव के काफी लोग भी मौजूद रहे। अलीगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ आदेश कुमार सिंह, खास रिपोर्ट। तुम्हारा नाम क्या है? रीना। रीना, पता है क्या घटना घटित हुई आपके साथ में? मेरे पति का नाम है योगेश, मैं इसी से रहने वाली हूँ। और मेरे पति को ये तीन जने उठा के ले गए 250 रुपये जबरदस्ती। मैंने रोकाया तो जो रखने लगे। कौन कौन लोग ले गए? अच्छा, कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, ये बता के नहीं गई। अच्छा, आपके पति अब तक वापस आ गए? नहीं आए। नहीं आए। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है इन्हें कुछ कर दिया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मानपाल। मानपाल, आप रीना के कौन हैं? पापा। अच्छा, आप यहाँ चौकी आए, किस मामले में आए? कानून कार्रवाई करने के लिए। किस मामले की कानूनी कार्रवाई करने के लिए आए? योगेश, क्या हो गया? मार दिए ले जाकर नहरों में, कहीं डाल दिए मार। अच्छा, कौन है वो? कौन है तुम्हारे? दबा दे। अच्छा, ये घटना कब की है? 27 तारीख की। अच्छा,